पहाड़ों से तो प्यार है क्योंकि वहीं पे पैदा हुआ है। मैं एक MBA हूँ और एक साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि सारी ज़िंदगी मैं ये तो नहीं कर सकता, तो मेरे को कुछ नया करना था। अभिजीत ने बताया मेरे को कि ऐसे विंटर में स्पीति में वाटरफॉल जो है जम जाता है पूरा, तो ये थोड़ा थोड़ा और रिस्की रहेगा। Waterfall climbing is an extreme form of climbing. The risks and techniques involved in this make it a very difficult pursuit. अभी तक किसी ने ऐसे attempt नहीं किया है कि पूरा waterfall वो शुरू किया और climb खत्म कर दिया। एक गलती और आप गए, बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं। इसमें risk तो है। हमने जो जगह देखी क्लाइम के लिए वो शिला नाला में थी। डाउट ये था माइंड में कि टॉप पे कहीं ज्यादा पतला तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका फॉल हो गया तो पूरा उखड़ गया जाएगा। आइस की कंडीशन से पता लग गया कि अगर आइस स्क्रू लगा रहे हैं और वो पूरा शार्प नहीं है, उसको लगाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। नए हमारे पास आइस टूल्स थे, उसको अगर हिट कर रहे या तो स्लाइड हो रहा था या फिर वापस आ रहा था, और अगर बहुत ज़ोर से हिट कर लो तो पूरा वो कांच ही निकल रहा था, पूरा सिल्ली नीचे आ रही थी। इस सेक्शन के ऊपर जो है एक छोटा सा आइस लैश था और वहाँ पे बहुत ही कम जगह थी से अगर आपको बिले कर रहे हैं। देन आई वाज एक्चुअली ऑन माय नीज एंड देन आई सेट अप अ बिले स्टेशन। जैसे ही मैं उस टावर के ऊपर टॉप पे पहुंचा तो सामने मेरे बिल्कुल ऐसे पतला सा कांच है, उसके पीछे से पानी बह रहा है और मतलब लग रहा है कि कितना थिन है ये और टूट सकता है। तो मैंने अभी इसको बोला कि भाई यहाँ से ऊपर क्लाइम करना बहुत रिस्की है। एक तरफ तो प्रणव मुझसे ये कह रहा था कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेते और इस लाइन को अब यहाँ ही छोड़ देते हैं, पर दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि दो साल से मैंने इसी के लिए तैयारी की है, इतनी ट्रेनिंग की है, काफ़ी क्लाइंबिंग भी की है, तो यहाँ पे इसको अब तो नहीं छोड़ सकते, आज तो इसको फिनिश कर ही देते हैं। रिस्क तो था इसमें, पर मेरे को लगा कि ये रिस्क तो लेना चाहिए। इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे और ये क्लाइम एक आज फाइनली हो गया। ये एक नई शुरुआत है और नया काम करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। I'm gonna go to the